फ्रेंड्स, आप सभी को ब्यूटी में सीमा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, चाहे वो पिंपल्स जो कि मुहासे के दाग हो, एक्ने के दाग हो, या झाइयों के कारण अगर आपके चेहरे पे दाग हो गए तो उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो दूध से कैसे आप दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वो नुस्खे क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को दिखाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी है उसे दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो जो सबसे पहला नुस्खा है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक कटोरी लीजिए, उसमें आप एक बड़ा चम्मच दूध डालिए। तो ये मैं ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और बिना उबला हुआ दूध इस्तेमाल कीजिए, जो कि कच्चा दूध। तो एक बड़ा चम्मच मैं इसमें डालूँगी। तो अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊँगी वो है टर्मरिक पाउडर, जो कि हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक पाउडर। तो आपको क्या करना है, आप लगभग आधा चम्मच इतना आपको इसमें डालना है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो मैं इसे खुद इस्तेमाल करती हूँ। ये एज स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स और झाइयों के चलते जो हमारे चेहरे पे जो काले स्पॉट्स आ जाते हैं उनको ये दूर करता है। सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए, उसके बाद आप इस तरह से अपने चेहरे पे लगा दीजिए। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होता है, तो ये सन स्पॉट्स, एज स्पॉट्स को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस तरह से लगाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए। तो जब ये पूरी तरह से सूख जाए, आप एक रुई की मदद से इस तरह से पानी में भिगो कर ऐसे इसे रिमूव करें। इससे आपका रंग भी निखरेगा, साथ ही साथ आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे। इस नुस्खे को आपको हर दिन फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलरली आपको फॉलो करना पड़ेगा 10 डेज के आसपास। तो ये जो सेकंड नुस्खा है, ये खासकर कि जिन लोगों की स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन या नॉर्मल स्किन टाइप लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले आप एक बाउल में एक बड़ा चम्मच दूध लीजिए और इसमें मैं डालूँगी 1/4 नींबू का रस। तो 1/4 नींबू काट दूंगी और इसका रस में डालूंगी। तो ऐसे मैं इसे डाल दूंगी। आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो इस तरह से आप एक रुई को भिगोकर इस तरह से देखिए आप अपने चेहरे पे ऐसे लगा दीजिए। जस्ट आपको ऐसे हल्का सा डैब करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एक ब्लीच की तरह भी काम करता है, तो आपके चेहरे की रंग को निखारता है, साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे डार्क पैचेस हो गए उनको भी दूर करता है। तो अच्छी तरह से लगाने के बाद आप छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो दीजिए। तो 2 से 3 बार अगर आप हफ्ते में इसे इस्तेमाल कर लें तो आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड नुस्खा। तो ये जो नुस्खा है सूटेबल है खासकर कि जिन लोगों की स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है या नॉर्मल स्किन टाइप लोगों के लिए। तो आप आधा चम्मच दूध लीजिए इतना, और इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपके चेहरे पे जो भी पिगमेंटेशन मार्क्स हैं, एज स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं उनको दूर करता है। तो इस तरह से इस विटामिन ई ऑयल को निकाल दूंगी। तो आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। सबसे अच्छी बात है कि इसे आप मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एक फेशियल मसाज की तरह। तो अगर मैं कभी इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पे अपनी झाइयों को दूर करने के लिए या स्पॉट्स को दूर करने के लिए, तो मैं इसे एक मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल करती हूँ और ये बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। अगर आप इसे एक फेशियल मसाज की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप 5 मिनट तक मसाज कीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए और एक रुई की मदद से अपने चेहरे को पोंछ दीजिए। और आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और फेयर भी बनाता है। आप सुबह उठकर देखें तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा यंग लगेगी, आपके दाग धब्बे बहुत कम लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस नुस्खों को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ आपका रिजल्ट शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।